तो दोस्तों हमारे पास एक सवाल है जो सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा 2013 का एक सवाल है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है और सवाल ये है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। जैसा कि आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस सवाल में हमें फैक्टराइजेशन मेथड ही लगाना है। तो चलिए देखें कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप देखें तो इसमें दो डिनोमिनेटर हैं, x माइनस टू और x माइनस वन। इसको पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम इसका क्या होगा, x माइनस टू इंटू x माइनस वन। तो ये हमने एलसीएम ले लिया, प्रोडक्ट ऑफ द डिनोमिनेटर्स विल सिंपली गिव यू एलसीएम, दोनों का प्रोडक्ट आपको एलसीएम दे देगा। अभी न्यूमरेटर में लिखने की क्या क्या तरीका है, सो सबसे पहले आप वन जो इस न्यूमरेटर का इस न्यूमर ये न्यूमरेटर को आप यहाँ लिख लें। इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करें, क्या इस जो नया जो डिनोमिनेटर आपने बनाया है आफ्टर टेकिंग एलसीएम, उसको आपको इस डिनोमिनेटर से, ओरिजिनल डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। सो एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन को आप एक्स माइनस टू से डिवाइड करेंगे तो आपको एक्स माइनस वन मिलेगा। सो आप एक्स माइनस वन यहाँ लिख लें। उसके बाद ये टू है, ये जो टू संख्या थी इसको यहाँ हमने लिख लिया और वही प्रोसेस को फिर से दोहराना है। सो एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन जो नया डिनोमिनेटर था एलसीएम निकालने के बाद, उसको आपको एक्स माइनस वन से डिवाइड करना है। सो अगर आप इस डिनोमिनेटर को एक्स माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक्स माइनस टू बचेगा। सो उसको आपको यहाँ पे एक्स माइनस टू को लिखना है और जो आरएचएस है उसको एज इट इज लिख देना है। अब क्या, अब ये बड़ा आसान हो गया, अभी इसे आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया एक्स माइनस वन प्लस टू एक्स एंड ये हो गया फोर। और इसको आपको इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर देन माइनस एक्स माइनस टू एक्स एंड देन प्लस टू, और ये बराबर हो गया 6/x के। फिर से अभी क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, सो 2x और x को जोड़ देंगे, सो 3x मिल गया और माइनस वन माइनस फोर हो गया माइनस फाइव। डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू एक्स इज माइनस थ्री एक्स और ये रह गया प्लस टू, और इस तरफ राइट हैंड साइड में 6/x। अब आपको पता है हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और सिक्स को इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा एक्स इंटू थ्री एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। ये हो गया, इसके नीचे फिर क्या होगा, ये हो गया थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स, सिंप्लीफाई कर देंगे 6x² माइनस 18x प्लस 12, मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिलता है। अच्छा, इसके बाद अभी सारे टर्म्स को हम एक साइड ले जाएंगे, तो अगर आप देखें तो ये हो गया 6x² माइनस 18x जो वहाँ आरएचएस था मैंने एलएचएस में लिख लिया, और बेसिकली ये एक इक्वेशन था आपका। अब आपको सारे टर्म्स को इकट्ठे लिखना है, 6x², फिर ये 3x² को आप इधर ले जाएं तो 3x² बच गया, अभी माइनस 18x और ये माइनस 5x जब बाई ओर आएगा तो 5x हो जाएगा और ये प्लस 12 इक्वल्स 0। तो अभी इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो बचेगा 3x² माइनस 13x और प्लस 12 इक्वल्स टू 0। सो ये जो आपने प्राप्त किया ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको अब हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, जिसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बोलते हैं। तो अगर आपके पास कोई इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है, तो पहले आप ए इंटू सी निकालें और बी जो है बी को इस तरह से विभाजित करना है। सो बी को आपको लिखना है बी वन प्लस बी टू सच दैट बी वन इंटू बी टू इज इक्वल टू ए सी, ये ध्यान में रखना है। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, इस केस में ए है 3 और बी है माइनस 13 और सी है 12। सो ए और सी को अगर मैं देखूं तो ये है 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 36। नाउ 30, अब माइनस 13 बी को इस फॉर्म में लिखना है कि
बी को अगर मैं दो भाग में बांटूं बी वन और बी टू, तो उसका प्रोडक्ट जो है 36 होना चाहिए। अच्छा, दो संख्या जिसका प्रोडक्ट 36 है जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, तो दोनों संख्याएं या तो पॉजिटिव होंगी या तो नेगेटिव होंगी। अब दो पॉजिटिव संख्या का सम माइनस 13 तो होगा नहीं, तो हमें दो नेगेटिव संख्याओं में माइनस 13 को तोड़ना है जिससे कि प्रोडक्ट 36 आए। अब 36 को हम इसके पेयर ऑफ मल्टी फैक्टर्स में लिख सकते हैं, मतलब 36 को हम 1 इंटू 36 भी लिख सकते हैं, 36 को हम 2 इंटू 18 भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 12 भी लिख सकते हैं, 4 इंटू 9 भी लिख सकते हैं, फिर 6 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, और बाद में यही कॉम्बिनेशन में आप इसको तोड़ सकते हैं 36 को। तो अगर आप देखें माइनस 13 प्राप्त करना है हमें, तो 9 और 4 ये जो संख्या है ये दोनों का सम मेरे को माइनस 13 देता है, तो हमें माइनस 13 को माइनस 4 एंड माइनस 9 के फॉर्म में लिखना है। चलिए लिखते हैं। हाँ, तो दोस्तों हमने देखा कि माइनस 13 को हम माइनस 4 और माइनस 9 में लिख सकते हैं, सो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस, मैं लिख सकता हूँ 9x, फिर माइनस 4x प्लस 12 इक्वल्स 0, क्योंकि माइनस 9 इंटू माइनस 4 आपको 36 देता है जो 3 इंटू 12 ए और सी का प्रोडक्ट है। अच्छा, अब सिर्फ कॉमन फैक्टर निकालने रह गए, सो 3x पहले दोनों में से 3x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 एंड इससे माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, और x माइनस 3 ये आ गया। सो इसको फिर से लिखेंगे तो ये आ गया x माइनस 3 और 3x माइनस 4 इक्वल्स 0। इसका क्या मतलब है, या तो x माइनस 3 0 के बराबर है, जिसका मतलब ये कि x 3 के बराबर होगा, और x 3x माइनस 4 ये भी 0 के बराबर होगा, इसका मतलब x बराबर 4/3। तो ये मेरे को दो सॉल्यूशन मिल गए, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 4/3। लेकिन क्या ये सही सॉल्यूशन है? इसको चेक करने का तरीका क्या है कि इसे हम वापस इक्वेशन में डाल के देख लें कि वाकई ये सही सॉल्यूशन है या नहीं। तो x को पहले 3 मानते हैं और इसको ओरिजिनल इक्वेशन किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में डाल के देखते हैं, तो क्या मिलेगा, 1/(x-3) अगर मैं लिख x-2 दैट इज 3-2 एंड प्लस 2/(x-1) सो 3-1, ये LHS है हमारा, LHS है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/1 प्लस 2/2 1 दैट इज 2, और RHS में अगर आप देखें RHS में 6/3 इज इक्वल टू 2, तो LHS बराबर RHS, तो ये सवाल पहला जो सोल्यूशन मिला था x बराबर 3 वो सही सोल्यूशन था। आइए अब हम ये भी चेक कर लें कि x बराबर 4/3 इसका सही सोल्यूशन है या नहीं। तो LHS में देख लेते हैं, LHS क्या होगा, 1/4/3-2 प्लस 2/4/3-1। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा -3/2 और ये बच जाएगा 6, तो ये हो गया आपका 9/2। ओके, RHS में आ जाइए, RHS में अगर आप देखेंगे तो 6/4/3 विच इज अगेन 9/2। सो हेंस LHS बराबर RHS, हमें मिलेगा कि x इक्वल टू 4/3 भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सही सॉल्यूशन है। तो कहने का मतलब हमने जो दो सॉल्यूशन निकाले थे x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 4/3 दोनों ही सही सॉल्यूशन है। ये हो गया आपका चेक करने का तरीका भी, हमेशा सवाल लगाने के बाद सॉल्यूशन को वापस इक्वेशन में डाल के चेक कर लेना, अच्छी आदत होती है, इससे आपको पता चल जाता है कि सवाल आपने जो लगाया है वो सही लगाया है नहीं।